हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपकी एक और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गाइस। और आज का कलेक्शन काफी अमेजिंग और काफी यूनिक है गाइस। ऐसा कलेक्शन आपने कभी भी नहीं देखा होगा। फटाफट मैं आपको कलेक्शन दिखाऊंगा, ये भी बताऊंगा दोस्तों कि ये सारी चीजें मैंने कहां से परचेज करी। वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और दोस्तों कह रहा हूं आज का कलेक्शन पसंद ना आए ना दोस्तों तो कर देना इस वीडियो को डिसलाइक। और यूट्यूब पे कोई भी यूट्यूबर आपको डिसलाइक के लिए नहीं बोलता, बस तुम्हारा भाई बोलता है कि वीडियो अच्छे ना लगे कर देना इस वीडियो को डिसलाइक दोस्तों। और दोस्तों प्लीज चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, भली वीडियो को डिसलाइक कर दो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच फैमिली तरफ से। तो चलो फटाफट आज का कलेक्शन दिखाता हूं दोस्तों। आज है गाइस हमारे पास सबसे पहले और सबसे यूनिक चीज, ये है गाइस एक स्कूटर। और ये स्कूटर नहीं है दोस्तों, ये है डोरेमोन का एक काफी प्यारा काफी अमेजिंग सा शार्पनर दोस्तों, और काफी बड़ा शार्पनर है। दिखाता हूं, बॉक्स से निकालता हूं। और इस शार्पनर को मैंने परचेस किया है 250 रुपीज का, 250 रुपए का ये शार्पनर परचेस किया है दोस्तों। स्कूटर लुक में देख सकते हो कितना अमेजिंग, और ये 3D शार्पनर होता है दोस्तों। और दिखाता हूं ये शार्पनर कैसा है, तो आप देख सकते हो डोरेमोन का शार्पनर काफी अमेजिंग है गाइस। डोरेमोन मेरा सबसे फेवरेट कार्टून है, इसलिए मैं सबसे ज्यादा डोरेमोन की चीजें परचेस करता हूं। आपका सबसे फेवरेट कार्टून कौन सा है प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये देखो दोस्तों कितना शानदार और कितना प्यारा है स्कूटर। और ये स्कूटर नहीं दोस्तों, ये शार्पनर है। और देखो दोस्तों इस तरह से हम जूस की मशीन की तरह घुमाएंगे, और इस होल में गाइस हम अपनी शार्पनर डालेंगे, और सारा कूड़ा दोस्तों इस वाले ट्रे में आ जाएगा दोस्तों। मैं आपको निकाल के दिखाता हूं ट्रे, और ट्रे देखना दोस्तों कितना बड़ा ट्रे है दोस्तों। ये देखो कितना बड़ा ट्रे है, इतना बड़ा ट्रे है दोस्तों हमें किसी भी शार्पनर के अंदर नहीं मिलता, काफी जबरदस्त है। और ये देखो जूस की मशीन देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त है, शार्पनर काफी अमेजिंग है दोस्तों। चलो एक पेंसिल को शार्प करते हैं और दिखाता हूं दोस्तों पेंसिल कैसे शार्प। ये मैंने पेंसिल ले ली, इसके मुंह में घुसा देंगे पेंसिल को अच्छे से, देखो टक से घुसा देंगे इस पेंसिल को, और फिर जूस की मशीन की तरह चलाएंगे दोस्तों। और देखना दोस्तों सारा कूड़ा इसके अंदर आ रहा है, आप देखो। और पेंसिल की नोक देखना दोस्तों कितनी अच्छी शार्प हो गई होगी, देखो। चलो अब निकालता हूँ, और ये देखो दोस्तों पेंसिल कितनी शार्प हो गई, कितनी अमेजिंग, कितनी जबरदस्त ये पेंसिल शार्प कर रही है ये शार्पनर। तो ये शार्पनर आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ये स्कूटर वाला शार्पनर। अगर इसका गिव अवे चाहते हो तो प्लीज कमेंट में लिखना भैया प्लीज इस शार्पनर का करो गिव अवे। तो चलो साइड रखते हैं और सेकंड चीज दिखाता हूँ। सेकंड है गाइस हमारे पास बियर की एक ज्योमेट्री बॉक्स गाइस, काफी अमेजिंग, और इसे 650 रुपीज के परचेज करिए अमेजोन से दोस्तों। चलो फटाफट दिखाता हूं अंदर कितना स्पेस है। और ऐसी ज्योमेट्री बॉक्स आपने कभी भी नहीं देखी होगी दोस्तों, यहां पासवर्ड डालना पड़ेगा जब ये लॉक ओपन होगा। पासवर्ड क्या है दोस्तों, पासवर्ड मैं आपको बताता हूं दोस्तों। पासवर्ड है गाइस इसका 245 दोस्तों, और यहां दबाएंगे इस बटन को और ज्योमेट्री बॉक्स हो जाएगी ओपन दोस्तों। ओपन होते कुछ इस तरह इंटरफेस दिखता है, और गाइस हमें यहां मिलता है एक और दो, दो व्हाइट बोर्ड मिलते हैं दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों, और काफी अमेजिंग। और यहां पे भी हमें एक लॉक मिलता है दोस्तों जिसका पासवर्ड है 134। वाओ यार, 134 को दबाएंगे और देखते क्या होता है। तो 1 को हम ऊपर कर देंगे, और 3 को भी हम ऊपर कर देंगे, और 4 को भी ऊपर कर देंगे, इस बटन को दबाएंगे तो ये देखो दोस्तों ये क्या, अरे खुला नहीं। तो 1, 3, 4 को दबाएंगे, और ये देखो ये कंपार्टमेंट हो गया ओपन। ये देखो दोस्तों कितना अच्छा स्पेस मिल जाता है दोस्तों, और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल भी आ जाएगा दोस्तों। और ये दिखाता हूँ दोस्तों सेकंड कंपार्टमेंट को हटाता हूँ, सेकंड कंपार्टमेंट को हटाते ये देखो दोस्तों अलग हो जाता है, और इसके अंदर भी गाइस काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। दोनों की गहराई देखो दोस्तों कितनी ज्यादा, और इसके अंदर गाइस हमें मिलता है एक मार्कर, मार्कर का काम हमें इस व्हाइट बोर्ड पे काम आएगा दोस्तों। और ये भी दोस्तों व्हाइट बोर्ड है, और ये दोस्तों व्हाइट बोर्ड के साथ साथ एक काफी अच्छा सा हिडन कंपार्टमेंट है दोस्तों इसके अंदर। तो इसके बॉक्स को हम हटाएंगे, इसके ढक्कन को हटाएंगे, तो देखो दोस्तों इसके अंदर भी गाइस हमें मिलता है काफी अच्छा कंपार्टमेंट दोस्तों। और गाइस हमें मिलता है इस जगह एक मिरर, देख सकते हो दोस्तों एक मिरर मिला है काफी प्यारा काफी सुंदर सा। और स्पेस देखो दोस्तों कितना सारा स्पेस है, और इसमें हम अपने काफी कीमती कीमती चीजें जो हमारे पास महंगी महंगी पेंसिल होती है, महंगी महंगी शार्पनर्स होते हैं, या हमारे पास पेन होते हैं, हम इस हिडन कंपार्टमेंट में छुपा के रख सकते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलेगा दोस्तों हमारे इस कंपार्टमेंट में काफी सारी चीजें रखी है दोस्तों। चलो इसे साइड रखते हैं। और ये ज्योमेट्री बॉक्स आपको कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स में एक हैंडल मिलता है जिससे हम इस ज्योमेट्री बॉक्स को बहुत ही इजीली से कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं दोस्तों। काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक पेंसिल लुक में दोस्तों एक पेंसिल पाउच गाइस, ये पेंसिल पाउच काफी जबरदस्त है, बेंटन किया दोस्तों, और देख सकते हो इसमें हमें एक हैंडल मिलता है जिससे हम इसे लटका भी सकते हैं। पेंसिल लुक में 3D लुक में काफी अच्छी क्वालिटी के दोस्तों, और इसे परचेस किया केवल मैंने 40 रुपीज का गाइस, मेरे
इधर एक शॉप है, उस शॉप से मैंने इस पेंसिल पाउच को परचेज किया है दोस्तों। पेंसिल पाउच बोलेंगे दोस्तों। इसमें हमें एक जिप मिलती है, जिप को ओपन करेंगे और गाइस हमें मिलता है काफी अच्छा स्पेस। और गहराई देखो दोस्तों कितनी ज्यादा, ये इतनी लंबी पेंसिल भी बहुत ईजिली से घुस जाएगी। ये देखो दोस्तों कितनी गहरी ये पेंसिल पाउच है दोस्तों, काफी जबरदस्त है, क्वालिटी काफी जबरदस्त है, आप देख सकते हो। जल्दी ये फटेगी भी नहीं दोस्तों, हमारी पेंसिल पाउच ना टूटेगी, गिरने से भी हमारी पेंसिल पाउच नहीं टूटेगी दोस्तों। कोई मोड़ भी देगा तब भी कोई टूटेगी नहीं दोस्तों हमारी ये पेंसिल पाउच। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखा दूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास बैंटन का पिगी बैंक, और ये पिगी बैंक दोस्तों मेटल का है दोस्तों, प्लास्टिक का नहीं है दोस्तों, काफी जबरदस्त है। और ये देखो दोस्तों पिगी बैंक, और ये कंटेनर लुक में भी है दोस्तों, काफी जबरदस्त। ये देखो अंदर काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, और ये पिगी बैंक है गाइस हमारा बैंक का, तो ये पिगी बैंक भी काफी जबरदस्त है। नेक्स्ट चीज है गाइस हमारे पास स्पाइडरमैन की स्किपिंग रूप गाइस, ये देखो दोस्तों स्पाइडरमैन की स्किपिंग रूप है गाइस, काफी अच्छी क्वालिटी का है। और इसके वायर्स देखो दोस्तों कितने अच्छी क्वालिटी के वायर्स है दोस्तों, आप देखो। और स्किपिंग किसे किसे बहुत ज्यादा अच्छी आती है प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये है गाइस बेंटन की काफी अमेजिंग मेटल की ज्योमेट्री बॉक्स गाइस, ये देखो ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है, देख सकते हो दोस्तों, और काफी सारा स्पेस आ जाएगा। और मजबूत देखो दोस्तों कितनी है, मेरे हाथों से पिचक भी नहीं रही है दोस्तों। ये ज्योमेट्री बॉक्स मेटल की काफी अच्छी है दोस्तों, काफी प्यारी है, और इसे केवल मैंने 100 रुपीज की परचेज करी। आप प्राइस भी दिखा सकता हूँ दोस्तों, देखो 199 लिखा है तो बट 100 रुपीज की परचेज करी। और इस पीजी बैंक को मैंने 70 रुपीज का परचेज करी है बट इसका प्राइस है 99 रुपीज गाइस। चलो इस साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास स्पाइडरमैन का पैन दोस्तों, ये देखो स्पाइडरमैन का पैन है, और इसमें कितने रिफिल मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिफिल वाला पैन है दोस्तों, और काफी अमेजिंग स्पाइडरमैन ऊपर बना हुआ है, और पैन की क्वालिटी भी काफी जबरदस्त है। चलो किसी एक पैन को चला के देखते हैं, रेड पैन चलाते हैं, रेड देखो दोस्तों कितना जबरदस्त और कितना अमेजिंग चल रहा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये है तो एक LOL का पैन दोस्तों, और इस पैन में गाइस हमें 1, 2, 3, 4 टोटल 10 रिफिल मिलते हैं। चलो मैं आपको काउंट करके दिखाऊं, देखो 1 रिफिल 2 रिफिल 3 रिफिल 4 5 6 7 8 9 10 10 रिफिल मिलती है। LOL की डॉल बनी है दोस्तों इसके ऊपर, काफी अमेजिंग काफी प्यारी सी दोस्तों। और इस पेन को चला के देखते हैं कैसा चलता है, तो चलो देखो येलो देखो कितना जबरदस्त चल रहा है। और इसके रिफिल को बंद करना है तो क्या करेंगे, हम इसे इस तरह दबाएंगे दोस्तों और फिर ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा दोस्तों। देखो एक पेन को खोलता हूँ, एक रिफिल खोला और इसे दबाऊंगा तो देखो अपने आप बंद हो जाएगा। तो इस पार्ट को हम दबाएंगे, इस वाले पार्ट को, और अपने आप रिफिल बंद हो जाएगा दोस्तों। तो काफी अमेजिंग है 10 रिफिल वाला आपको पेन कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं दिखाता हूँ आपको बहुत ही अमेजिंग और काफी प्यारा एक पेन दोस्तों, ये देखो बिल्कुल सिंपल सा पेन है ना, बिल्कुल सिंपल सा पेन है, काफी प्यारा सा। और ये देखो किस लुक में है, ये है एक हेलीकॉप्टर लुक में दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर वाला पेन है दोस्तों। इसके पार्ट को इस खींचेंगे और पंखड़ियां बाहर आ जाएंगे दोस्तों, 4 पंखड़ियां मिल जाती है दोस्तों, सबसे अच्छी बात है गाइस। और ये हेलीकॉप्टर अभी आधा है, पूरा कब होगा, जब इसके स्टैंड को भी हम खोल लेंगे। देखो इसके स्टैंड को खोल लेंगे और हेलीकॉप्टर बिल्कुल तैयार हो चुका है, काफी अमेजिंग। और ये हेलीकॉप्टर वाले पेन को केवल मैंने 70 रुपीज का परचेज किया है दोस्तों। और ये हेलीकॉप्टर वाला पेन आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। या आपको LOL वाला पेन ज्यादा अच्छा लगा या फिर हेलीकॉप्टर वाला, प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट पेन है गाइस हमारे पास ये बास्केटबॉल वाला पेन दोस्तों, ये देखो बास्केटबॉल है और ये देखो काफी अमेजिंग है। और ये दोस्तों पेन है, ये देखो ये भी पेन है, काफी अमेजिंग बास्केटबॉल बना हुआ है दोस्तों। और जब भी हम बोर हो रहे होंगे तो इसके साथ हम अपने दोस्तों के साथ एक बैटल भी खेल सकते हैं दोस्तों इस पेन के साथ। और है गाइस हमारे पास नेक्स्ट है गाइस हमारे पास काफी कलरफुल और लाइट वाला पेन दोस्तों, ये देखो लाइट वाला पेन। और इस पेन में देखो अलग अलग तरह की लाइटें जल रही हैं, देखो दोस्तों अब रेड हो गई, ये देखो कलर चेंज हो रहा है, ये देखो ब्लिंक होने लग गया, काफी अमेजिंग यार ये देखो। और इसमें देखो चला के देखते हैं तो ये काफी जबरदस्त है, और हाथ में पकड़ने में भी काफी अमेजिंग लग रहा है ये पेन। और लास्ट है गाइस हमारे पास एक काफी जबरदस्त और काफी प्यारा एक बेंटन का 6 रिफिल वाला पेन दोस्तों, ये देख सकते हो इसमें भी 6 रिफिल मिल जाते हैं आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेन में से सबसे अच्छा पेन कौन सा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलो नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास बियर एंड लॉयल स्टेशनरी सेट गाइस, और इसमें गाइस हमें टोटल 12 पीसेस मिल जाते हैं दोस्तों। निकालता हूँ बॉक्स से और दिखाता हूँ दोस्तों हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें इसके अंदर मिलता है काफी प्यारा काफी सुंदर सा एक ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, ज्योमेट्री बॉक्स मिल जाती है। और इसमें गाइस हमें ट्रे है दोस्तों, इस ट्रे में गाइस हमें 1 और 2, 3
तीन पेंसिल लॉक मिल जाते हैं दोस्तों, काफी अमेजिंग सा दोस्तों। और नीचे कंपार्टमेंट है दोस्तों, नीचे वाले कंपार्टमेंट में भी दोस्तों हमें काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है दोस्तों, काफी जबरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स मिल गई दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों हमें इसके अंदर क्या मिलता है। इसके अंदर गाइस हमें एक दो तीन चार चार पेंसिल मिल गई दोस्तों, वुडन वाली दोस्तों देख सकते हो, और ब्लू कलर की पेंसिल है, क्वालिटी काफी जबरदस्त है। और इस साइज की बात करें, साइज भी काफी जबरदस्त है इन पेंसिल का दोस्तों। पेंसिल मिल गई चार तो, और क्या मिलता है इसके अंदर। और इसके अंदर गाइस हमें मिलते हैं एक दो तीन चार चार स्केच पेन भी मिल गए दोस्तों इस सेट के अंदर। और देखते हैं दोस्तों हमें क्या मिलता है इसके अंदर गाइस, हमें मिल जाते हैं ट्रांसपेरेंट सा एक शार्पनर दोस्तों, शार्पनर भी मिल गया लो। और देखते हैं क्या मिलता है इसके अंदर दोस्तों, हमें इसके अंदर रूलर भी मिल गया लो 15 सेंटीमीटर का, काफी सुंदर और काफी प्यारा और काफी अच्छी क्वालिटी का रूलर भी मिल गया दोस्तों। और देखते हैं क्या मिलता है हमें इस स्टेशनरी सेट में गाइस, हमें एक इरेजर भी मिल जाता है देखो दोस्तों, काफी अमेजिंग। तो इस स्टेशनरी सेट में काफी अच्छी चीजें मिली है गाइस। और इसके अंदर गाइस हमें क्या मिलता, और कुछ भी नहीं मिलता, और इससे केवल मैंने 100 रुपीज का परचेज किया है दोस्तों। चलो इसे साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यूनिकॉर्न का एक बैग दोस्तों, एक बैग है काफी प्यारा सा दोस्तों। और इसमें दोस्तों हमें दो कंपार्टमेंट मिलते हैं देख सकते हो, एक कंपार्टमेंट में होल दिख रहा है और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें शार्पनर मिलता है दोस्तों, ये देखो काफी जबरदस्त है। और सेकंड कंपार्टमेंट को ओपन करते हैं, सेकंड कंपार्टमेंट में भी दोस्तों हमें एक इरेजर मिलती है। और लुक देख सकते हो कुछ इस तरह से, ये ब्रीफकेस की लुक में है दोस्तों ये सेट गाइस। और गाइस इसमें एक हैंडल मिलता है और नीचे व्हील मिलता है दोस्तों, देख सकते हो काफी अमेजिंग। केवल मैंने 20 रुपीज का परचेज किया ये सेट गाइस, जिसमें हमें इरेजर भी मिल गया और शार्पनर भी मिल गया दोस्तों। हमें जरूरत ही नहीं है दोस्तों, हमें इरेजर या शार्पनर को अलग खरीदने के, इस सेट को खरीद लेंगे। और जिसमें हमें एक कंपार्टमेंट मिल जाए, इसमें हम इरेजर खत्म हो जाएगी तो दूसरी इरेजर रख लेंगे, शार्पनर तो कभी खराब होता ही नहीं है दोस्तों, तो काफी अच्छी चीज है दोस्तों, साइड रखते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये सिंगापुर की एक स्टेशनरी सेट गाइस, काफी अमेजिंग है दोस्तों, काफी प्यारा देख सकते हो, कितना बड़ा बॉक्स है और कितना पतला बॉक्स है देखो, कितना पतला बॉक्स है, इतना पतला बॉक्स दोस्तों कोई सा भी नहीं आता दोस्तों जिसमें हमें स्टेशनरी आइटम मिले। चलो खोल के दिखाता हूँ, ओपन करता हूँ ढक्कन को और दिखाता हूँ इसमें हमें किस तरह की स्टेशनरी आइटम्स मिलती हैं दोस्तों। चलो फटाफट निकालता हूँ और इसके अंदर देखो दोस्तों हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। और कितनी चीजें मिलती है काउंट करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छह चीजें मिल जाती हैं दोस्तों। आपको सबसे पहले दिखाऊँ इसके अंदर हमें एक शार्पनर मिलता है काफी सुंदर सा दोस्तों, एक मिलता है हमें एक नहीं दो दो वुडन पेंसिल मिल जाती है दोस्तों, ये देखो दो वुडन पेंसिल मिल गई सिंगापुर की। और दोस्तों हमें मिलता है इसके अंदर एक मैकेनिकल पेंसिल दोस्तों, ये देखो मैकेनिकल पेंसिल मिल गई दोस्तों, काफी अमेजिंग काफी प्यारी सी है ना, काफी जबरदस्त पेन लुक में है। और गाइस हमें मिलता है इसके अंदर एक काफी प्यारी और काफी अच्छा सा मोटी सी एक इरेजर मिलती है। और गाइस ये क्या है, ये देखो दोस्तों ये क्या है, ये है गाइस ये पेंसिल निडल बॉक्स मिल जाता है दोस्तों, ये देखो पेंसिल की निडल्स है इसके अंदर, आप देखो जो हमारे मैकेनिकल पेन में यूज होंगी दोस्तों, काफी अमेजिंग। और दोस्तों हमें इसके अंदर मिलता है काफी प्यारा एक 15 सेंटीमीटर का स्केल, ये देखो 15 सेंटीमीटर का स्केल मिल गया जिसके ऊपर सिंगापुर की फोटोज छपी है दोस्तों। और क्या मिलता है इसके अंदर, इसके अंदर गाइस हमें मिलते हैं काफी सुंदर काफी प्यारी से सीनरी मिल जाती है दोस्तों सिंगापुर की, देखो दोस्तों। और इसके पीछे गाइस हमें अपना नाम और एक आईडी कार्ड मिल जाता है दोस्तों इस वॉलपेपर के पीछे, काफी जबरदस्त। और बॉक्स हो गया खाली और मेटल का बॉक्स है दोस्तों, काफी पतला बॉक्स, और इतने पतले बॉक्स में हमें इतनी सारी चीजें मिल गई, कभी मैंने सोचा भी नहीं था दोस्तों। तो ये सेट आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट दिखाता हूँ, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास काफी सुंदर और काफी अच्छी सी ज्योमेट्री बॉक्स, प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी सी है। इसमें देखते हैं दोस्तों कितने कंपार्टमेंट है और कितना स्पेस मिलता है दोस्तों हमें। पहले ढक्कन को ओपन करते हैं, पहले ढक्कन को ओपन करते हैं, हमें एक दो तीन तीन पेंसिल लॉक मिल जाता है, काफी अच्छा कमांड मिल जाता है, गहराई देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त है। और इसके अंदर गाइस हमें एक मार्कर भी मिल जाता है दोस्तों। सेकंड ढक्कन को ओपन करते हैं, सेकंड ढक्कन ओपन करते कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है, काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर गाइस। और इसमें भी काफी सारे स्टडी मटेरियल आ जाएगा। और ये क्या लिखा है, पुल टू ओपन, तो पुल करेंगे गाइस हम और देखेंगे क्या होगा, फिर ओपन करेंगे तो ये देखो दोस्तों हमें यहाँ मिलता है एक व्हाइट बोर्ड, वाओ यार काफी अमेजिंग यार। और ये तुम्हारे करते हम अपना काम कर लेंगे दोस्तों इस व्हाइट बोर्ड पे, ये देखो दोस्तों व्हाइट बोर्ड काफी जबरदस्त है, मिटाते हैं और ये देखो है ना काफी अमेजिंग यार, काफी डिफरेंट ये पेंसिल बॉक्स है। और ये पेंसिल बॉक्स आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं गाइस हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास काफी सुंदर और काफी प्यारा सा बेंटन का एक गाइस कंटेनर वाला शार्पनर, ये देखो दोस्तों दो शार्पनर मिल जाते हैं दोस्तों। और ये कंटेनर लुक में, ये देखो दो कंटेनर लुक में और शार्पनर देखो, एक छोटा शार्पनर एक बड़ा शार्पनर मिल जाता है। शार्पनर की क्वालिटी देखो कितनी जबरदस्त है, कंटेनर लुक में ये शार्पनर काफी प्यारा सा दोस्तों, काफी अच्छा शार्पनर मिल जाता है दोस्तों। और है गाइस हमारे पास एक
ये देखो, ये है गाइस हमारे पास एक सुपरमैन और बैटमैन की ज्योमेट्री बॉक्स गाइस। और इसमें गाइस हमें 1 2 3 4 बटन मिल जाते हैं। चार बटन का यूज देखते हैं। पहले बटन को दबाया तो पहले बटन को दबाते ये वाला कंपार्टमेंट निकल गया। चलो दिखाता हूँ, पहले बटन को दबाया तो ये कंपार्टमेंट निकल गया। सेकंड बटन को दबाया तो कैलकुलेटर निकल गया। तीसरे बटन को दबाएंगे तो शार्पनर ऊपर निकल जाएगा। चौथे बटन को दबाएंगे तो ये देखो दोस्तों, एक कंपार्टमेंट अंदर से निकल के आता है दोस्तों, जिसके अंदर गाइस हमें 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं दोस्तों। ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते हैं हमें एक पॉकेट मिलता है जिसके अंदर टाइम टेबल और हम अपना आईडी कार्ड लगा के रख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हमें दो मैग्नेट मिल जाती है दोस्तों, जिससे हमें इस ढक्कन को खोलने बंद करने में ज्यादा परेशानी ना हो गई। चौथे बटन को दबाएंगे तो ये देखो कंपार्टमेंट खुल गया, यानी हमें इस ढक्कन को खोलने की जरूरत ही नहीं होगी। जब भी हमें पेंसिल या पेन निकालना तो हम इस बटन को दबाएंगे तो बाहर हो जाएगा। जिस पेंसिल को यूज करना है वो चीज निकाल के हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए इसे बंद कर देंगे। बैक साइड के ढक्कन को ओपन करते हैं, बैक साइड के ढक्कन को ओपन करते कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है दोस्तों। काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है दोस्तों। और इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने 250 रुपीज की परचेज करी ऑफलाइन, ऑनलाइन परचेज नहीं करी, ऑनलाइन अभी ये आउट ऑफ स्टॉक आ रही है दोस्तों ज्योमेट्री बॉक्स। दोस्तों आज का था ये कलेक्शन, आज का कलेक्शन आपको कैसा लगा? एक चीज और रह गई दोस्तों, ये देखो दोस्तों हमारे पास है एक 3D लुक में काफी प्यारी सी ज्योमेट्री बॉक्स और ये कार लुक में। और इसमें देखो दोस्तों क्या है दोस्तों, ढक्कन ओपन करता हूँ और ये दिखाता हूँ इसमें कितना अच्छा स्पेस। और देखो दोस्तों हमें इसके अंदर मिलते हैं 1 2 3 कंपार्टमेंट मिल जाते हैं इतने छोटे से ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। देखो दोस्तों काफी गजब, काफी प्यारी सी, केवल 100 रुपीज की परचेज करी है। ये 3D लुक में है दोस्तों पेंसिल बॉक्स दोस्तों, और इसे 100 रुपीज की परचेज करी है। और चलो इस साइड रखते हैं। तो ये आज का कलेक्शन था ये। आपको इन सारी चीज में सबसे अच्छी चीज क्या लगी प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक, और ज्यादा अच्छी लगी तो कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो साथ, अच्छे से टॉय के साथ, अच्छे से टॉय कलेक्शन के साथ, या फिर अच्छे से स्टेशनरी आइटम के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों। अगर आपको किसी भी स्टेशनरी आइटम, टॉय कलेक्शन या टॉय अनबॉक्सिंग की वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उस कलेक्शन की वीडियो जरूर लेके आऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो साथ। प्लीज अच्छे से कमेंट करते रहो।